الرحمن الرحيم लेक्चर नंबर 10 पार्ट 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ा था कि हमारे पास ग्राफिक्स क्या होते हैं और हमने किस तरह ग्राफिक्स को जनरेट करना है। ठीक है, तो अब याद है हम मॉनिटर की तरफ, या इसको हम डिस्प्ले भी कहते हैं या मॉनिटर भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने इसलिए कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ा कि हमें पता चले कि हमारे पास इमेजेस किस तरह ड्रा होते हैं, या आइकन्स किस तरह ड्रा होते हैं, या हमारे पास जो डिजाइन वगैरह होते हैं वो किस तरह हमारे पास ड्रा होते हैं। ठीक है, तो हम अब आगे मॉनिटर की तरफ के मॉनिटर या डिस्प्ले से क्या मतलब है। तो डिफिनेशन है, अ मॉनिटर और डिस्प्ले समटाइम्स कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स कहते हैं। क्यों यूज को हम यूं कहते हैं कि हमारे पास ही आपने क्या करना है, आपने विजुअल्स को आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है, और वही विजुअल्स को हम फिर क्या कहते हैं, आपने मॉनिटर के थ्रू आपने क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है, स्क्रीन के ऊपर आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, मॉनिटर्स कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस होता है कि इसके थ्रू आपने क्या करना है, किसी चीज को आपने आउटपुट क्या करना है, इसका रिजल्ट डिस्प्ले करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉनिटर्स कहते हैं। अभी हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मॉनिटर या डिस्प्ले के, डिस्प्ले में या मतलब हमारे पास जो स्क्रीन होता है या डिस्प्ले होता है, इसके अंदर हमारे पास कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास एक कंपोनेंट है साइज। साइज मीन द साइज ऑफ द मॉनिटर इज मेजर्ड डायगोनली। आपने हमारे पास जो मॉनिटर्स होता है तो इसका जो साइज हमारे पास होता है वो जरूर होता है, क्योंकि हमारे पास इसके जैसा के हम कहते हैं कि यार ये इतने सेंटीमीटर का या इतने इंचेस का डिस्प्ले है हमारे पास, तो इससे मुराद है कि ये इतना साइज। तो जब भी आपने मॉनिटर को खरीदना है या डिस्प्ले को खरीदना है, क्या करना है, इसको डायगोनली आपने इसका मेजरमेंट करना है। डायगोनली मीन्स कि आपने या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आपने क्या करना, इसको आपने मेजर करना, तो इसको हम कहते हैं डायगोनली मेजरमेंट। और हमारे पास जो स्टैंडर्ड साइज होता है या स्टैंडर्ड मॉनिटर होता है या स्टैंडर्ड स्क्रीन होता है या स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो होता है, तो वो 15 से लेकर 19 इंच तक हमारे पास क्या होता है, डिस्प्ले होता है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड मॉनिटर या स्टैंडर्ड डिस्प्ले या स्टैंडर्ड स्क्रीन है। दूसरा हमारे पास होता है कलर। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिस्प्ले में या मॉनिटर में या स्क्रीन में, कि अगर हमारे पास एक होता है कलर मॉनिटर, दूसरा हमारे पास होता है नॉन कलर मॉनिटर। तो नॉन कलर मॉनिटर से ये मुराद है कि इसमें आपने वन कलर यूज किया, जिसको हम, जिस तरह हमारे पास जो पुराने जमाने में जो स्क्रीन यूज होता है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन कलर मॉनिटर है, और इसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मोनो मींस वन और क्रोमेटिक मींस लाइन, लाइट। तो आपने क्या करना है, वन लाइट आपने इससे पास करना है या वन कलर आपने इससे पास करना, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास नॉन कलर डिस्प्ले। एक हमारे पास होता है कलर डिस्प्ले, जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कलर, इसको हम कहते हैं कलर डिस्प्ले। जिस तरह हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू हमारे पास प्राइमरी कलर है, इनकी कॉम्बिनेशन से फिर हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल मल्टी कलर जो डिस्प्ले हमारे पास, क्या कहते हैं, कलर कहते हैं। तो कलर मॉनिटर से मुराद है कि इसमें हमारे पास क्या होते हैं, मेनी कलर्स होते हैं, और मोनोक्रोमेटिक हमारे पास क्या होते हैं कि इसमें हमारे पास सिंगल कलर, जैसा हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन है, तो ये हमारे पास नॉन कलर डिस्प्ले है। और एक हमारे पास होता है कलर डिस्प्ले, जिस तरह हमारे पास आजकल जितना हमारे पास HD वीडियोस होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कलर डिस्प्ले होते हैं। फिर इसके बाद है रिजोल्यूशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिस्प्ले में, इसका रिजोल्यूशन का एक मेन रोल है। The number of pixels are dots per square inch. कि हमारे पास फर्स्ट कलर या पे हमारे पास जिस तरह हमने बात की हमारे पास क्या होता है डिस्प्ले हो जाए, इधर हमें ड्रा करते कि हमारे पास क्या होता है मॉनिटर या डिस्प्ले जो भी है। तो हम कहते कि या पे हमारे पास इस तरह के एक स्क्वेयर, फिर दूसरा इस तरह हमारे पास क्या होते हैं स्क्वेयर्स होते हैं, और वही स्क्वेयर्स को हम पर क्या इधर हमने मेंशन की कि द नंबर ऑफ पिक्सल्स आर डॉट्स पर स्क्वेयर इंच, कि हमारे पास एक स्क्वायर इंच में हमारे पास कितने डॉट्स होते हैं, और वही डॉट्स को हम फिर क्या कहते हैं, पिक्सल्स कहते हैं। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। कि जितना हमारे पास नंबर ऑफ पिक्सल्स ज्यादा होंगे, तो इतना हमारे पास इसका रिजोल्यूशन ज्यादा अच्छा होगा, जिसको हम कहते हैं HD। अगर जितना हमारे पास पिक्सल्स कम होंगे, तो इतना हमारे पास इमेज या जो वीडियो हमारे पास लो क्वालिटी में होंगे, तो इसको हम कहते हैं इसका रिजोल्यूशन ब्लर है। तो ब्लर से क्या मतलब है कि यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ पिक्सल्स कम है, तो इसी वजह से डिस्प्ले हमारे पास क्या आता है, ब्लर आता है। अगर यहां पे हमारे पास ज्यादा डॉट्स होते या पिक्सल्स होते, तो इसका मतलब है कि यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ कलर्स हमारे पास ज्यादा, तो इसी वजह से इसमें हमारे पास क्या आता है, रिजोल्यूशन अच्छा आता है। फिर आता है रिफ्रेश रेट। इट इज द स्पीड विद द मॉनिटर रीड्रा द स्क्रीन इन पर यूनिट टाइम। या पे हमारे पास रिफ्रेश रेट का ये मतलब है कि बार बार जब हमारे पास स्क्रीन रिपीट होता है,
इस तरह रहेगा। फर्ज कर यहाँ पे जब भी आप वीडियो को क्या कहते हैं प्ले करते हैं, तो इसके साथ जो एनिमेशन मूवमेंट आ रहा है तो वही मूवमेंट को अंदर क्या कहते हैं रिफ्रेश रेट आता है, रिफ्रेश रेट कहते हैं। और वही रिफ्रेश रेट से क्या हुआ कि हमारे पास ये स्क्रीन ऑन ऑफ हो जाता है। ऑन ऑफ से हम बोला कि दोबारा आपने रीड्रा करना है, रीड्रा करना है, क्या रीड्रा करना है, जहां पर हमारे पास जो आइकन होते हैं ग्राफिक होता है आपने इसको रीड्रा करना है, इसको हम कहते हैं रिफ्रेश रेट। और जितना हमारे पास रिफ्रेश रेट ज्यादा होगी तो इससे इतना हमारे पास क्या है क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आते हैं। फिर हमारे पास है डॉट पिच। डॉट पिच से क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन द पिक्सल्स एंड द मॉनिटर। यहाँ पे जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास पिक्सल्स होता है इस तरह, और इसको हम डॉट भी कहते हैं और पिक्सल्स भी कहते हैं। तो इस ये हमारे पास एक पिक्सल है, ये हमारे पास दूसरा पिक्सल है, इसके बीच हमारे पास जो स्पेस होता है तो उसको हम फिर क्या कहते हैं डॉट पिच कहते हैं। अच्छा, जितना आप डॉट पिच हमारे पास इसके बीच स्पेस ज्यादा होंगे तो इतना हमारे पास इमेज खराब क्वालिटी का होगा, जितना हमारे पास डॉट पिच कम होगा तो इसमें हमारे पास क्या है हम कहते हैं कि हमारे पास इमेज बेस्ट क्वालिटी का है। और बेस्ट क्वालिटी क्या हो रहा है कि अगर जिस तरह हम कहते हैं कि 8G में सेव कर लें या इसको हम 780 एक्सेट्रा या 1020 हमारे रिजोल्यूशन इसको हम कहते हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि इसमें हमारे पास इतने पिक्सल या इतने डॉट्स होंगे। तो जितना आपके पास डॉट पिच कम होगा तो इतना हमारे पास क्या है इस इमेज बेस्ट क्वालिटी का होगा। अगर जितना अगर यहाँ पे आपके पास डॉट पिच ज्यादा है तो इससे मतलब कि आपके जो पिक्चर होता है वो हमारा खराब क्वालिटी का या बेड क्वालिटी का है। अब हम आते हैं कि मॉनिटर के कितने टाइप्स हैं। तो मॉनिटर के बेसिकली टू टाइप्स, एक होता है CRT और एक होता है फ्लैट स्क्रीन या डिस्प्ले, लेकिन इसके अंदर फिर हमारे पास LCD और LED है। CRT तो इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कैथोड रे ट्यूब इसको वो हमने डिस्कस किए कि इससे क्या हो रहा है, और इसको हम ट्यूब स्क्रीन या ट्यूब डिस्प्ले कहते हैं। जिस तरह हमने बात की हमारे पास क्या होता है इस तरह एक डिस्प्ले, तो इसको हम क्या कहते हैं CRT कैथोड रे ट्यूब, तो ये हमारे पास कैथोड रे ट्यूब होता है। ट्यूब इसको हम क्यों कहते हैं कि इसके हमारे पास इसके बैक साइड पे हमारे पास इस तरह ट्यूब होते हैं, और वही ट्यूब के थ्रू हमने क्या करना है सारा कुछ कंट्रोल करना है, तो एक हमारे पास ये मॉनिटर होता है। दूसरा हमारे पास है LED या LCD। LCD से मुराद है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अच्छा, हम डिस्कस करते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से क्या मुराद है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से ये मुराद है कि यहाँ पे हमारे पास जो ट्यूब होता है, अभी इसमें वो ट्यूब नहीं है, लेकिन आपके पास इस तरह फ्लैट स्क्रीन होगा, और वही फ्लैट स्क्रीन के अंदर आपने क्या करना है क्रिस्टल्स को आपने क्या करना है सेट करना, और वही क्रिस्टल से फिर हमने क्या करना है इसी इलेक्ट्रॉन को पास करना। जब आप इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो इस क्रिस्टल के साथ वो रिएक्शन का, तो इससे फिर हमारे पास ग्लो बन जाते हैं। ये हमारे पास इस तरह क्रिस्टल्स है, इस तरह क्रिस्टल्स होंगे स्क्रीन हमारे पास पूरा स्क्रीन क्रिस्टल के साथ होगा। जिस तरह हमारे पास कुछ कि जब आप स्क्रीन इस तरह प्रेस करेंगे तो इसमें हमारे पास वो मूवमेंट आ रहा है, और वही मूवमेंट को हम पर क्या जिस तरह हम कहते हैं इसमें वाटर है, इसके अंदर वाटर है, तो वही वाटर हमारे पास क्या होता है हमारे पास बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल है, लिक्विड फॉर्म में हमारे पास इसमें क्रिस्टल मौजूद है, और वही क्रिस्टल से जब हम इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो इससे फिर हमारे पास क्या आता है डिस्प्ले बन जाता है, और वही डिस्प्ले को हम फिर क्या कहते हैं फ्लैट स्क्रीन या फ्लैट डिस्प्ले कहते हैं, और इसको हम फिर क्या कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं क्रिस्टल्स होते हैं। दूसरा हमारे पास है LED, इससे मुराद है लाइट इमिटिंग डायोड। इस स्क्रीन में हमारे पास एक डिसएडवांटेज है LCD में, अगर यहाँ पे या मतलब आप हमारे पास स्क्रैच हो तो हमारे पास पूरा डिस्प्ले डिस्टर्ब हो जाते हैं। LED में इस तरह नहीं है, अगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डायोड इस क्रिस्टल के ऊपर हमने क्या कर दिया डायोड को हमने रिप्लेस कर, इस तरह हमारे पास डायोड्स होते हैं, और डायोड हमारे पास क्या चीज है ये हमारे पास सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स है। क्या होते सेमीकंडक्टर एलिमेंट, जब भी आपने इससे इलेक्ट्रॉन पास करते हैं फिर हमारे पास जब लाइट आता है तो इससे इलेक्ट्रॉन आता है फिर हमारे पास ग्लो पैदा हो जाता है, और वही ग्लो को हम क्या आपने क्या करना है डायोड के थ्रू आपने सारा कुछ क्या करना है डिस्प्ले करना है, इसको आपके इसी वजह से लाइट इमिटिंग डायोड आपने इससे क्या करना है लाइट को आपने इससे इमिट करना है, तो फिर हमारे पास डायोड क्या हो जाते ऑन हो जाते हैं। तो इस तरह अगर यहाँ पे एक डायोड खराब होगा तो फिर हमारे पास बाकी जो जितनी भी डायोड है वो काम करता है, लेकिन क्रिस्टल में एक मसला है कि अगर एक क्रिस्टल खराब होगा तो इससे फिर हमारे पास पूरा डाटा इससे मतलब पूरा डिस्प्ले डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्रिस्टल क्या है मूवमेंट कर रहा है, तो वही मूवमेंट के थ्रू फिर हमारे पास क्या हो जाता है इसका डिस्प्ले रिजोल्यूशन में फिर मसला आता है, लेकिन डायोड में हमारे पास वो इस तरह नहीं है। फिर हमारे पास है कलर पैलेट। कलर पैलेट मींस डिफरेंट कलर। किस तरह
जब भी आपने पेंट में या मतलब कोई और जिस तरह हमारे पास कलर ड्रा होते हैं या फोटोशॉप हो, तो इसमें भी हमारे पास कलर पैलेट मौजूद है। तो कलर पैलेट के जो रेंज होता है वो 0 से लेकर 255 तक। तो इसको हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास 256 वैल्यूज है। कितनी वैल्यूज है? 256 वैल्यूज है। तो 0 का अलग कलर होगा, 1 का अलग होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एटसेट्रा। इस तरह हमारे पास क्या होते हैं? कलर रेंज होते हैं। तो जितना आप 0 की तरफ आएंगे तो इस आपका कलर क्या होगा? व्हाइट होगा। और जितना आप ऊपर 255 की तरफ जाएंगे तो फिर हमारे पास कलर क्या होगा? ब्लैक होगा। तो ये हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास रेंजेस होते हैं। तो एक हमारे पास क्या होते हैं? 0 से लेकर 255। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? कलर पैलेट कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है RGB, और इसको हम कहते हैं प्राइमरी कलर्स। ये हमारे पास क्या होते हैं? प्राइमरी कलर्स होते हैं। और वही प्राइमरी कलर से क्या मुराद है? इसके इन तीन कलर के कॉम्बिनेशन से आपने क्या करना है? न्यू कलर को आपने क्या करना है? डेवलप करना है या आपने मतलब बनाने है। RGB स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर। ये हमारे पास इसको हम प्राइमरी कलर भी कह सकते हैं और या इसको हम RGB भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा। थ्रू RGB यू कैन मेक मेनी कलर बाय मिक्सिंग ऑफ रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू। आपने क्या करना है? जब आप रेड ग्रीन और ब्लू को मिक्स करते हैं तो फिर हमारे पास न्यू कलर मतलब बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं RGB। अच्छा, कंप्यूटर यहाँ पे हमारे पास जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो मतलब कंप्यूटर कितने कलर को अंडरस्टैंड करता है? तो इधर हमारे पास एक फार्मूला है, एक होता है R, दूसरा होता है G और तीसरा हमारे पास होता है B। तो यहाँ पे हमने बात की कि इस R की जो रेंज होते हैं वो हमारे पास 0 से लेकर 255 तक है। तो आप क्या कर रहे हैं? 255 मल्टीप्लाई जी का भी इस तरह हमारे पास 255 है, तो आप 255 इधर भी लिख ले। और इस तरह हमारे पास ब्लू का भी है 255, तो आपने क्या करना है? 255 इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो इससे हमारे पास कितने कलर बन जाते हैं? 17 मिलियन कलर हमारे पास क्या बन जाते हैं? RGB के थ्रू हम बना सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर कितने कलर्स को मतलब बना सकते हैं या अंडरस्टैंड। तो हमारे पास है 17 मिलियन कलर। और ये हमारे पास प्राइमरी कलर्स होते हैं। आपने R को, G को और B की वैल्यू आपने क्या करना है? लाने को, फिर आपने इसको मिक्स करना। फिर आज हमारे पास क्या बन जाते हैं? न्यू कलर बन जाते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास एक होता है स्टैटिक कलर। स्टैटिक कलर हमारे पास वो सिंगल कलर जिस तरह हमारे पास राइट व्हाइट ब्लैक या इस तरह हमारे पास ग्रीन होते हैं या मतलब और भी हमारे पास येलो कलर होते हैं, ऑरेंज कलर होते हैं, मैजेंटा है, जो भी है। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक कलर, जिसका हमारे पास क्या होता है? एक कलर होता है। और एक हमारे पास होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन मिक्सिंग ऑफ कलर्स। के आपने कलर को क्या करना है? आपने मिक्स करना है, इससे फिर हमारे पास मल्टीपल कलर बन जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। लेकिन ग्रेडियंट बेसिकली हमारे पास इस तरह होते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह यहाँ पे हमारे पास कलर पोर्शन है। तो ऊपर हमने रेड लगाया, नीचे हमने ब्लू और इसके अंदर हमने व्हाइट, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 10 पार्ट 2 और इसे हम कहते हैं मल्टीपल या डिस्प्ले। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।